बहुत बहुत स्वागत है। आप इस वक्त देख रहे हैं न्यूज़ टाइम और न्यूज़ टाइम लेकर मैं हूं इश्फाक गौहर। न्यूज़ टाइम में लगातार हम बात करते हैं बड़े मुद्दों की और आज भी बड़े मुद्दे हमारे सामने रहेंगे और आज सबसे पहले बात करेंगे यूनियन टेरिटरी लद्दाख की, क्योंकि लद्दाख के अंदर लगातार पिछले कई दिनों से खबरें आ रही है और खबर ये आ रही है कि ड्रैगन फोर्सेज और इंडियन फोर्सेज आमने सामने हैं। गैलवन वादी के आसपास घमासान मचा हुआ है। अगर अभी तक कोई गोली नहीं चली है, लेकिन गोली से कम भी माहौल बना नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप बीच में आने की कोशिश कर रहे थे, यानी बता रहे थे कि वो मध्यस्थता करेंगे, सालिसी करेंगे, लेकिन सालिसी का प्रोग्राम अभी भी पूरी तरह से नाकाम ही नजर आ रहा है, क्योंकि भारत सरकार ने जहां पहले ही सालिसी की पेशकश को मुस्तरद कर दिया है, वहीं पर आज चीन की तरफ से भी बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा है कि सालिसी की कोई गुंजाइश ही बाकी नहीं रही है, क्योंकि ये मैटर उनका इंटीरियर मैटर है, यानी स्टेट का इंटीरियर मैटर है, इसलिए वो खुद इसको देखेंगे और ये कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिसको वो हल नहीं कर सकते हैं। तो क्या डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए से अब यह मसला सुलझेगा, एक बड़ा सवाल है। लेकिन जिस तरीके से दोनों फौजें आमने सामने हैं, उससे कई ज्यादा सवालात अब पैदा हो रहे हैं। सवाल यह भी पैदा हो रहा है कि यह पहला मौका नहीं है जब चाइना की फोर्सेस आहिस्ता आहिस्ता करके लद्दाख के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर अंदर आई है, बल्कि तारीख गवाह है कि पिछले 20 साल के दौरान कई बार लद्दाख के अंदर इस तरीके की वारदातें हुई हैं, इस तरीके के इंसिडेंट्स हुए हैं और बहुत बार रिटेलिएशन भी यहां से हुआ है। लेकिन इस बार जो कुछ हो रहा है, क्या ये रूटीन मैटर है या एक बड़े जंग की तैयारी में चीन लगा है? क्योंकि खबर चाइना से यही है कि सिविल एयरपोर्ट को तब्दील कर दिया है मिलिट्री एयरबेस में। इस पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ फॉर्मर विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी ज्वाइन कर चुकी हैं। अनुमा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। ड्रैगन फोर्सेस पर यकीन करना काफ़ी मुश्किल है और ड्रैगन की सियासत भी इसी तरीके की हम लगातार देखते आ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके की सिचुएशन पिछले कई दिनों से लद्दाख के अंदर बनी है, किस तरीके से आप इसको देखते हैं एज अ फॉर्मर विंग कमांडर के, और कितनी मुश्किलें आज के दिन में हमारे सामने हैं? अप्रैल के एंड से हम देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ हो रहा है। कहीं उनके एयरक्राफ्ट लो लेवल फ्लाइंग कर रहे हैं हमारे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के थोड़ा आसपास। इसी तरह से लद्दाख में एक गुत्थम गुत्था हो गया था जिसमें आपस में लड़ाई हुई है। उसके बाद सिक्किम में भी, नाकुला में भी इसी तरह की एक लड़ाई हुई है सिक्किम के उत्तर में। तो मैं समझती हूँ कि इस तरह की चीज़ें बहुत सालों से होती आई हैं, क्योंकि 1970 का साल आखिरी बार, मतलब उस समय ही गोलीबारी जैसा कुछ हुआ था। उसके बाद से चीन और हमारे बीच में गोलियां नहीं चली हैं कभी, लेकिन हाँ बहुत सारी चीजें जिसपे हमारे जो विचार है नहीं मिलते। हमारी सीमा के आसपास की जो जगह है, जैसे एक पैंगोंग लेक के पास का जो एरिया है जहाँ पे वो नकल शेप एक फिंगर्स है, तो हम बोलते हैं हमारा इलाका जो है वो 8th तक है, वो कहते हैं हमारा 2nd फिंगर के वहां तक है। तो ये छोटी छोटी लड़ाइयाँ चलती आई हैं और जनरली लोकल कमांडर्स के लेवल पे ये शांत हो जाती थी। मैंने खुद नाथुला पास देखा है जहाँ पर ऐसी कोई डिफाइंड बॉर्डर नहीं है, बस एक तारों की बाढ़ है, और भारतीय और चीनी अधिकारी एक दूसरे से एक्चुअली सोशल फोरम पे भी मिलने आते रहे हैं जी। तो अब उसके बाद चूंकि चाइना के ऊपर इस समय सबका ध्यान बहुत ज्यादा है, एक तो COVID-19 के कारण भी और अदरवाइज भी, और चाइना की अपने व्यापार वगैरह काफी कम होता जा रहा है, तो ऐसा लगता है चाइना कहीं ना कहीं ध्यान भटका के या ध्यान अटका के या एक तरह का मनोवैज्ञानिक लड़ाई करने की कोशिश कर रहा है। मनोवैज्ञानिक लड़ाई लड़ने की कोशिश चाइना कर रहा है, लेकिन आपको याद होगा और हमने भी अपने बचपन में यही देखा था कि चीनी हिंदी बाय बाय, ये सरहद हमारी है, इस सरहद को खाली करो। क्या आज के दिन भी इसी नारे से काम चलेगा? क्योंकि जिस तरीके से चाइना के अंदर डिप्लॉयमेंट हो रही है, जिस तरीके से चाइना गैलवन रिवर के आसपास अपना जमावड़ा बढ़ा रहा है, बंकर्स बना रहा है, तो क्या माने कि अभी कुछ और करने की ज़रूरत है या सारा डिप्लोमेटिक चैनल्स पर ही छोड़ दिया जाए? नहीं, ये इनफैक्ट मुझे ऐसा, जो इतने दिनों से जिस तरह का हम पैटर्न देखते आ रहे हैं, उससे ये तो नहीं लगता है कि एक फुल फ्लेज्ड वॉर कुछ कर पाएंगे या करेंगे। ऐसा ना तो उनकी कंट्री के हित में है और ना भी किसी भी कंट्री के हित में नहीं है, और सभी न्यूक्लियर पावर से सब लैस हैं। तो ऐसा तो नहीं लगता कि चीन जो है वो फुल फ्लेज्ड कोई वॉर करने की कोशिश करेगा। लेकिन हिंदी चीनी भाई भाई भी नहीं है, क्योंकि जब हमारे पास
शी जिनपिंग आए थे पहली बार जब आए थे मोदी जी से मिलने, उस समय भी चुमार वैली में उनके पीपुल्स लिबरेशन आर्मी जो है उसके लोग 1000 के करीब घुस आए थे। और ऐसे जब भी कोई टॉक्स होती है तो उस समय चीन की तरफ से एक दूतरफा होता है, एक तरफ तो हाथ बढ़ाते हैं और दूसरी तरफ उसको रिटेलिएट करते हैं। तो चीन थोड़ा सा उसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, अनप्रिडिक्टेबिलिटी उसकी एक खूबी रही है। चलिए बहुत शुक्रिया अनुमाचार्य जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। मेरे साथ लद्दाख से इस वक्त तहसीन सिपल साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है, वीर चक्र अवार्डी है और खुद इस ग्राउंड जीरो पर काम कर चुके हैं, यानी करगिल वॉर से पहले भी और करगिल वॉर के बाद भी ग्राउंड जीरो को जानते हैं, चप्पे चप्पे को जानते हैं और ड्रैगन की सियासत पर काफी गहरी नजर है इनकी। बहुत बहुत शुक्रिया तहसीन सिपल साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। लद्दाख से इस वक्त वीर चक्र अवार्डी आप हैं, लेकिन आपसे जानना चाहूंगा अनुमाचार्य, विंग कमांडर बता रही थी कि आज चीनी हिंदी बाय बाय के नारे से काम नहीं चलेगा, स्ट्रेटजीज डिफरेंट है, काम अलग अलग तरीके से करना होगा, लेकिन आज जो इस ट्रांसमिशन को इस वक्त देख रहे होंगे वो आपकी जुबान से सुनना चाहेंगे कि ग्राउंड जीरो पर दोनों फौजें कहां कहां पर हैं और किस तरीके का माहौल बना हुआ है। ताशी साहब क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? चलिए कोशिश करेंगे कि तासी सिपल साहब से दोबारा हमारी बात हो सके, क्योंकि ये वो आदमी हैं जिन्हें वीर चक्र अवार्ड से नवाजा गया है और इन्होंने ग्राउंड जीरो पर हमेशा काम किया है। और जब हम इनसे बात करेंगे तो आपको पता लगेगा कि लद्दाख की सिचुएशन जो आप अपने ड्राइंग रूम और बेडरूम के टेलीविजन चैनल पर इस वक्त देख रहे हैं, इससे भी ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन तक आ चुकी है, क्योंकि इन्हें पता है कि गैलवन रिवर पर आना चीन का क्या मतलब है और आगे क्या कुछ वो कर सकते हैं। इसलिए जो डिफाइंड बाउंड्रियां होनी चाहिए थी इस पर आज काम करना काफी ज्यादा जरूरी है। कोशिश करेंगे कि तहसीन से हमारी बातों से, तहसीन साहब क्या आवाज आ रही है हमारी? चलिए इस वक्त हम बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि चाइना की तरफ से भी जो मध्यस्थता की बात आई थी सामने वो उन्होंने रिजेक्ट की है, यानी जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि हम इसमें आ सकते हैं, हम थर्ड पार्टी मीडिएशन के तौर पर काम करेंगे, चाइना ने इसे मना कर दिया है। एक और दूसरी बड़ी बात जो इस वक्त सामने आ रही है वो ये भी आ रही है कि सिविल एयर और पोर्ट को कन्वर्ट किया गया है मिलिट्री एयरबेस में। पिछले दिनों हमने देखा जो दिल्ली के अंदर उनके एम्बेसडर हैं, चाइना के एम्बेसडर हैं, उनकी तरफ से जो बयान सामने आया था उनने कहा था कि डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए से हम हर एक मसले का हल चाहते हैं और बिल्कुल भी COVID-19 की वजह से जो सिचुएशन पूरी दुनिया के अंदर है इसमें हम जंग नहीं करेंगे, किसी भी सूरत में नहीं करेंगे। और जिनपिंग ने जो दिल्ली अपने देश के अंदर चाइना के अंदर आर्मी कमांडर से बात की थी वहां पर कहीं ना कहीं ये इशारे उन्होंने दिए थे कि आप तैयार हो जाइए, आगे बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी है। अब ये लड़ाई क्या ये वाली लड़ाई है या लड़ाई कहीं और की है, क्योंकि हांगकांग का मामला भी उनके सामने है और वर्ल्ड इकोनॉमी जिस तरीके से चेंज हो रही है उसका बड़ा इशू जो है वो कहीं ना कहीं आपको दिखेगा, चाइनीज इकोनॉमी पर भी उसका असर जो है वो बुरा पड़ रहा है। इसलिए चाइना दोहरे तरीके से इस वक्त काम करने की कोशिश कर रहा है। चलिए बढ़ते हैं जरा, चलिए हमारे साथ तहसीन इस वक्त ज्वाइन कर दिए। तहसीन साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। लद्दाख की ग्राउंड जीरो की सिचुएशन को अगर हम देखें तो किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं जो हम यहां दिल्ली में महसूस कर रहे हैं, क्या आपको भी वैसा ही लग रहा है कि ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक है? सब कुछ ठीक तो नहीं लग रहा है। अभी यहाँ पे ये हवा चल रहा है कि चाइनीज अपने तरफ घुस किया बोल के, काफी जगह ले लिया बोल के, ये शायद हवा का बात भी होगा, लेकिन ऑन ग्राउंड जाके आप मीडिया लोग जाके देखना चाहिए, साथ ही साथ गवर्नमेंट स्टेटमेंट देना चाहिए इसके बारे में क्या है। जब जब जैसे 99 में हुआ था उस वक्त भी ये 2016 में चेन्नई ने घुसपैठ किया था, दूसरी बार जब जब मौका मिलता है उस वक्त ये लोग फायदा लेता है। अभी हम 62 का ये चैनल भूल जाना चाहिए, ये 62 का टाइम नहीं है, अभी 2000 के है कि अभी चाइना को हम मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, क्योंकि ये हमेशा फायदा लेते लेते घुसते रहता है हर एक जगह से, जैसे ह्यूमर हो गया, ये पंगोंग लेक हो गया, दूसरा ये गटवान नाला से
एमएलए से भी अभी काफी उनका एक्टिविटी चल रहा है बोलता है जी। इस तरीके से इंडिया एक्टिव नहीं बनना चाहिए, इसको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए एक बार, या तो डेवलपमेंट की तरफ से बातचीत करके इसको पीछे भेज देना चाहिए जहाँ से आया, नहीं तो 99 में जैसे पाकिस्तान को हमने जवाब दिया था वो घुस के आया था अपने जगह पे, उसको हमने निकल आगे घसट दिया था, इस तरीके से जवाब देना चाहिए, इस तरीके से जवाब देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आसिम जी ज्वाइन करने के लिए। वीर चक्रवर्ती बता रहे थे कि सिचुएशन जो आपको दिल्ली में लग रही है ग्राउंड जीरो बैटल ग्राउंड पर ऐसी सिचुएशन नहीं है, एक कंप्रेहेंसिव पॉलिसी बनाकर चाइना के साथ इस मामले को निपटना होगा, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता करके बहुत सी जमीन जो है वो चाइना इसी तरीके से अपने कब्जे में पिछली बार भी ले चुका है, इस बार ऐसा ना हो, और इसलिए लद्दाख से लगातार ये आवाज़ आ रही है, पूरे देश की भी यही आवाज़ है कि एक बार हो ही जाए बाउंड्रियां डिफाइन, क्योंकि जहां पर बाउंड्रियां डिफाइन नहीं होती हैं वहां पर इसी तरीके के मसले और मसाइल हमेशा देखने को पड़ते हैं। अब जरा बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कोविड-19 के हवाले से, क्योंकि कोविड-19 का कहर पूरी दुनिया के अंदर जारी है, जैसा कि लगातार हम आपको अपडेट करते आ रहे हैं। लेकिन जब हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में शायद ही वो कोई घर हो, शायद ही वो कोई डिस्ट्रिक्ट और गांव हो जहां से कोरोना विक्टिम ना मिला हो, कोरोना पॉजिटिव केस ना आया हो, और यही वजह है कि हुकूमत की लगातार कोशिशों के बावजूद भी अभी तक कोई खातिर का नतीजे सामने नहीं आ रहे हैं और लगातार पॉजिटिव केसेस का आना सिलसिला जारी है। पिछले दिनों के मुकाबले में अगर आज के दिन की हम बात करें तो पॉजिटिव केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, और सरकार का यह मानना है कि पॉजिटिव केसेस सिर्फ इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि जो लोग रियासत के बाहर थे, यूनियन टेरिटरी के बाहर थे, वापस घर आ रहे हैं, उनकी टेस्टिंग हो रही है बड़े पैमाने पर, इसलिए यह मामला जो है वो बढ़ रहा है। लेकिन क्या ग्राउंड जीरो पर भी यही कहानी है? सीधे श्रीनगर चलते हैं, सईद रूफ फारूकी हमारे साथ है। सईद बताइएगा आज के ताजा आंकड़े क्या कुछ कह रहे हैं कश्मीर के हवाले से, क्योंकि अभी जो हमारे पास इत्तला है एक की मौत हो गई है और दर्जनों केस पॉजिटिव है। अनफॉर्चुनेटली डेथ हुई है जो बारामूला का एक शख्स है जिसकी कल शाम डेथ हुई है, और फिर उनको सैंपल्स दिए गए थे और आज उनके जो सैंपल टेस्ट है वो पॉजिटिव आए, तो आज जो उनकी बॉडी है मयत है वो घरवालों को दी गई है और उनको प्रोटोकॉल के तहत ही वहां पे दफनाया गया। और मैं अगर इस हवाले से बताऊं कि उनके घरवालों ने कुछ सवाल खड़े किए हैं एडमिनिस्ट्रेशन के सामने, उनका कहना कि ये शख्स उसकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, ये किसी के टच में नहीं रहा, 2.5 महीने से घर से बाहर नहीं निकला है, तो ये कैसे पॉजिटिव आ सकता है। तो इस पे उन्होंने जाहिर सी बात है एडमिनिस्ट्रेशन के सामने सवाल रखे कि कहीं हॉस्टल में ही ये मामला सामने ना आया हो। और दूसरा अगर हम पॉजिटिव केस के हवाले से गौर बात करें तो शेरी कश्मीर मेडिकल इंस्टीट्यूट की लैब से आज के दिन में अभी तक की जो हम बात करें 15 पॉजिटिव केस हमारे सामने आए हैं, जिनमें जिला कुपवाड़ा से ज्यादा तादाद है 4, श्रीनगर से 2, अनंतनाग से 2 और शोपियां से 3 जो पॉजिटिव केस ये शेर कश्मीर मेडिकल इंस्टीट्यूट की लैब से आए हैं, और उसके साथ जेवीसी लैब से गवर 6 पॉजिटिव केस जो है वो आज के दिन से। अब जरा ये भी बताइएगा, ये तो पॉजिटिव केसेस की कहानी है लेकिन क्वारंटाइन सेंटर्स के अंदर की कहानी भी बताइए, पेड और सरकारी क्वारंटाइन, 2 क्वारंटाइन इस वक्त हो रहे हैं लेकिन जहां जहां पर भी हम देख रहे हैं शिकायतें काफी ज्यादा आ रही है, और यह माना जा रहा है कि कश्मीर यूनिवर्सिटी से लेकर दीगर क्वारंटाइन सेंटर्स के अंदर बुनियादी सहूलियत का काफी ज्यादा फुकदान है। देखिए गौर, ये काफी ज्यादा इस पे सवाल उठ रहे हैं क्योंकि जो लोग अभी हम रिसेंटली जिनकी बात कर रहे हैं जो बाहर से आए हैं, इनको जिन जिन क्वारंटाइन सेंटर्स में रखा है वहां के लोग जो हमें कॉल करें वो कह रहे हैं कि एक रूम में अगर 10-20 लोगों को रखा जा रहा है, क्योंकि अब जो पॉजिटिव केस सामने आ रहे हैं वो यही लोग हैं जो बाहर से आए हैं, इनको घरों में नहीं भेजा गया, सीधे क्वारंटाइन में किया गया है। तो ये कह रहे हैं कि कॉमन बाथरूम वहां पे यूज हो रहे हैं, जो उनको खाना है वो बेहतर नहीं मिल रहा है उनको, और एक एक रूम में 20-30 के करीब जो लोग रह रहे हैं, क्या अगर एक में सिम्टम्स हो सकते हैं तो वो कितनों को अपने साथ ले सकता है, ये एक लेकिन इसी चीज का अजाला करने के लिए सरकार की तरफ से भी ये फैसला लिया गया था कि देखिए अगर आपको सुविधाएं चाहिए, फैसिलिटीज चाहिए, तो उसके लिए आपको जो है पेड क्वारंटाइन में जाना पड़ेगा, वो बड़े होटल्स का नाम दिया गया था, एक बड़ी लिस्ट दी गई थी। देखिए गौर, इसमें एक चीज मैं बताऊं आपको कि कैसे ये लोग कर सकते हैं कि पेड क्वारंटाइन में जाए, क्योंकि अगर हम डे फर्स्ट से बात करें तो सरकार ने कहा था कि ये लोग तो हमारी जिम्मेदारी है जो क्वारंटाइन सेंटर में है, और वो लोग उनकी जिम्मेदारी है जो घरों में बैठे हैं लॉकडाउन में, आप उनके उनपे तो नहीं सरकार पहुंची है क्योंकि वहां से भी काफी ज्यादा शिकायत आ रही है। जल्दी जल्दी से ये भी बताइएगा हमें कि ये जो मामला अभी कोविड के साथ साथ एक और सियासी हलचल वहां चल रही है काउंसिल बनाने की, एडवाइजरी काउंसिल बनाने की, लोगों का क्या कुछ मूड है फटाफट से?
गौर, पहले मैं बताऊं कि आज के दिन के हवाले से 32 फालतू केस जो है कश्मीर डिवीजन से आज के दिन के हवाले से रजिस्टर हुए हमारे सामने आए। पॉलिटिक्स की हम बात करें, देखिए मूड तो लोगों का कुछ नहीं है, लोग कोविड की वजह से परेशान है, मगर हाँ सियासी खेमे में कह सकते हैं कि हलचल है। मगर जो लीडर्स है, चाहे अपनी पार्टी की बात करें, अल्ताफ बुखारी की बात करें, वहां पे जिन लोगों को शायद जोड़ा जा रहा है कि काउंसिल बनने जा रहा है, वो लोग अभी इनकार कर रहे हैं कि हमारे पास इस तरह से कोई मैसेज नहीं है, हमें सोशल नेटवर्क के जरिए ही इस तरह की इंफॉर्मेशन मिल रही है कि कोई काउंसिल काउंसिल बनने जा रहा है। अभी पार्टी को इस तरह से कोई ग्रीन सिग्नल नहीं मिली है। मगर ये भी बताऊं गौर मैं आपको कि बीजेपी ने शायद इस हवाले से काफी ज्यादा आवाजें उठाई है, ऐतराज उठाए जो उनके जनशक्ति है, उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, अगर कोई काउंसिल बनेगा वो सिर्फ। चलिए बहुत शुक्रिया सईद रूप हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए श्रीनगर से। ये की अपडेट आ रहा है कि लगातार कोविड के केसेस भी बढ़ रहे हैं, सियासत भी काफी ज्यादा तेज हो रही है। लेकिन सीधा जम्मू चलते हैं, क्योंकि जम्मू इसलिए हम इस वक्त चलेंगे, डिलिमिटेशन हदबंदी का मामला भी सरफरिस्त है। और आपको याद होगा कि 4 अगस्त को किस तरीके से रियासती हुकूमत को यह काम सौंपा गया था कि आपने हदबंदी करवानी है, क्योंकि रिओर्गेनाइजेशन एक्ट जब बनाया गया था, स्टेट को 2 हिस्सों में बांटा गया था, तो उसके बाद एक बड़ा फैसला यह भी था कि अब स्टेट असेंबली की सीटें 90 होंगी, लेकिन 90 सीटें कैसे होंगी, कौन कहां पर रहेगा, एससी एसटीज का क्या कुछ हाल होगा, इसके लिए कमीशन बनाया गया था। और उसी कमीशन के नए मेंबरों का ऐलान भी कर दिया गया है, पॉलिटिकल मेंबर्स का। बीजेपी की तरफ से रिप्रेजेंटेशन डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब करेंगे और उनके साथ साथ एक और मेंबर भी उनके साथ रहेंगे। लेकिन जब हम श्रीनगर की बात करेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला और उनके साथ साथ मोहम्मद अकबर लोन, जुगल किशोर और हसनैन मसूदी के नाम भी सामने आ रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि फारूक अब्दुल्ला क्या डिलिमिटेशन कमीशन की मीटिंग में जाएंगे, और अगर वो जाते हैं तो इसके माने क्या होंगे पॉलिटिकली। सीधे जम्मू चलते हैं, हमारे सीनियर साथी विनोद जी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। विनोद जी, डिलिमिटेशन हदबंदी करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि रिओर्गेनाइजेशन एक्ट में लिखा है, बहुत सी पॉलिटिकल पार्टियां अपने अपने तरीके से आवाज भी उठा रही हैं, लेकिन फारूक अब्दुल्ला के लिए कितना बड़ा फैसला यह होगा, जाना या नहीं जाना? देखिए गौर, जब डिलिमिटेशन कमीशन बनता है तो जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होती है पार्लियामेंटेरियंस, वो इनके एक्स ऑफिशियल्स होते हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जुगल किशोर, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जस्टिस हसनैन मसूदी, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, अकबर लोन, जो हमारे जम्मू कश्मीर यूटी के जीते हुए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एमपीज हैं, ये इसके मेंबर रहेंगे। लेकिन आपने ये बात बिल्कुल ठीक कही कि क्या जब मेंबर इनकी मीटिंग होती है, डिलिमिटेशन कमीशन की मीटिंग होती है, क्या ये जा पाएंगे, क्या उस मीटिंग को फेस कर पाएंगे, मीटिंग में जाकर के क्या पब्लिक के सामने कह पाएंगे, ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और एनसी के जो दो और मेंबर हैं उनके लिए दिक्कत का सबब बना हुआ है। लेकिन कमीशन ने अपना काम करना है, कमीशन ने हदबंदी करनी है, और 90 सीटें, जैसे आपने कहा कि 90 सीटों को तब्दील करना है, तो कहीं ना कहीं जो पेच फंसा है या जो भी दिक्कत है वो अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए दिक्कत है, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के लिए दिक्कत है, हसनैन मसूदी के लिए दिक्कत है, अकबर लोन के लिए दिक्कत है। ये बताइएगा ये कितना बड़ा पॉलिटिकल डिसीजन होगा, अगर वो जाते हैं तो इसका मतलब 5 अगस्त के फैसले को वो मानते हैं, नहीं जाते हैं तब भी मुश्किल उनके लिए खड़ी है। देखिए अगर वो जाते हैं तब भी उनके लिए दिक्कत है, क्या तक मेरी आवाज आ रही है, पब्लिक डिसऑन करे। जी, जब अगर वो जाते हैं तो पब्लिक कहीं ना कहीं उनसे नाराज हो जाएगी, अगर वो नहीं जाते हैं और कुछ फेवर में नहीं आया, कश्मीर के फेवर में नहीं आया, हदबंदी में थोड़ा ऊंच नीच हो गया, तो तब पब्लिक इनसे जवाब मांगेगी कि आप एक्स ऑफिशियल्स थे, आप जीते हुए पार्लियामेंटेरियन थे, आप कमीशन के सदस्य थे, आपने हमें जस्टिस नहीं दिलवाया। कहीं ना कहीं गौर ये दोनों बुरी तरह से, दोनों तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग फंस गए हैं। चलिए बहुत शुक्रिया विनोद जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। जरा फटाफट से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक और खबर की जो इंतहाई अहम है, क्योंकि कोविड-19 की जब मैं बात करता हूं तो सीधे सीधे मामला उन मजदूरों का भी आता है जो अपने घरों से दूर थे, और लगातार सियासत हमने काफी देखी है इस पर, और सियासत का रंग किस किस तरीके से कहां कहां पर बदला लगातार हम आपको बताते आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों की बात करें जो मुल्क की दीगर रियासतों में और अभी भी घर आने के लिए बेताब है,
सरकार के वादे तो अपनी जगह, लेकिन जमीनी हकाई क्या है कि पैसे लिए जा रहे हैं उनसे। ट्रेन चलाई गई लेकिन फिर भी पैसे लिए गए, बस चलाई गई लेकिन फिर भी पैसे लिए गए, और बड़ा ऐलान यह हुआ कि हम सबको घर ला रहे हैं। इस बीच कांग्रेस की तरफ से बहुत बार सवाल उठाए गए, और आज कमान संभाली थी सोनिया गांधी ने, आज कमान संभाली थी प्रियंका गांधी ने, आज कमान संभाली थी राहुल गांधी ने, और एक के बाद एक सवाल उन्होंने खड़ा कर दिया केंद्र पर कि किस तरीके से आप मजदूर का पेट पालेंगे, क्या कर्जा देकर सब कुछ चलेगा। जहां एक तरफ से पॉलिटिकली ये सारी डिबेट आज सोशल मीडिया पर चल रही थी, वहीं पर सुप्रीम कोर्ट में भी आज ये मामला छाया रहा, और सुप्रीम कोर्ट ने भी एक के बाद एक बड़ा सवाल केंद्र से पूछा है। क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुआ है, क्योंकि बड़ी खबर है, बताएंगे आपको रहमत कलीम कि क्या कुछ आज सियासी तौर पर हुआ है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। जी देखिए, बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में आज 3 रुकनी बेंच ने इस मामले की समाअत की। इससे पहले 28 तारीख को इस मामले की समाअत की, उसके बाद नोटिस भी भेजा गया था बाजाब्ता तौर पर सेंटर को और रियासी सरकारों को, उसके बाद आज फिर मामले की समाअत हुई। आज समाअत के दौरान अगर मजमुई तौर पर बात करें तो पाँच बड़े फैसले हुए हैं, 4 बड़े तल्ख अंदाज में तबसरे भी हुए हैं मरकजी सरकार के कामकाज पर कि मजदूरों के साथ क्या कुछ सरकार ने किया है, उन तमाम चीज़ों पर सवाल उठाए। पहला फैसला जो किया गया, मैं बुनियादी तौर पर बता दूं कि सरकार की तरफ से सरकार के लिए जो कहा गया है सुप्रीम कोर्ट में आज कहा गया है कि मजदूरों से, जो मजदूर घर लौट रहे हैं उनसे किसी भी तरह का, चाहे वो बस में हो ट्रेन में हो, किराया न लिया जाए, किसी तरह का उनसे कोई खर्च न लिया जाए, ये सारे अखराजात रियासती सरकार को उठाने होंगे। एक दूसरा सबसे बड़ा फैसला ये है कि रियासती सरकार ही स्टेशन पर जो मजदूर फंसे हुए हैं उन मजदूरों को रियासती सरकार ही खाना दे, और अगर वो ट्रेन के अंदर बैठते हैं तो फिर रेलवे की जिम्मेदारी है कि वो उनको खाना दे। तीसरा सबसे अहम फैसला हुआ कि फंसे हुए मजदूरों को खाना कहां मिलेगा, रजिस्ट्रेशन कहां होगा, और इन तमाम प्रोसेस को रियासती सरकार ज्यादा से ज्यादा तेज करे और बाजाब्ता तौर पर इसको पब्लिसाइज करे, तशहीर करे इसकी कि रजिस्ट्रेशन कहां हो रहा है, मजदूर जो वापस लौटना चाह रहे हैं उनके लिए खाने का इंतजाम कहां पर है, इसको पब्लिसाइज करने पर फोकस करने के लिए कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के फरमान में। एक फैसला और अहम है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फंसे हुए मजदूरों की देखरेख रियासती सरकार करे, रजिस्ट्रेशन क्वारंटाइन सेंटर के रजिस्ट्रेशन और खाना पीने का इंतजाम के साथ साथ जल्द से जल्द उन्हें ट्रेन या बस के जरिए जो लौटना चाहते हैं मजदूर उन्हें अपने आबाई रियासत भेजने का इंतजाम करें। कुल मिलाकर घर भेजो, उनके खाने पीने का अरेंजमेंट यहां पर करो जब तक वो घर जाते। लेकिन पॉलिटिकली जो आज बड़ा सवाल उठाया गया प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और सोनिया गांधी की तरफ से और अन्य दीगर लीडर्स की तरफ, वो कह रहे हैं कि भैया लोन नहीं, उनको माफ पैसा दे दो और अकाउंट्स में ट्रांसफर करो, 6,000-7,000 की मांग हो रही है। ये देखिए, बिल्कुल, आज जो कांग्रेस की तरफ से बाजाब्ता तौर पर स्पीकअप एक मुहिम चलाई गई है सरकार को घेरने के लिए मजदूरों के लिए, इन आज जो भी कांग्रेस की तरफ से बयानात है वो बयानात कुछ हद तक सुप्रीम कोर्ट में उन सवालों से भी मिलते जुलते हैं जो आज सुप्रीम कोर्ट के जज ने, चीफ जस्टिस ने, जस्टिस ने बाजाब्ता तौर पर सवाल पूछा है सरकार से, जो सोलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता से, उनसे सवाल पूछा गया कि आपने जो कुछ भी किया मजदूरों के लिए उससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन खामियां हैं, कमियों की भी खबर है, और मजदूरों की जो सूरत हाल है उससे हमें तकलीफ है, दुख का इजहार भी किया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। ऐसे में जो कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि हम पहले दिन से कह रहे हैं कि पहली फुर्सत में इन मजदूरों के दर्द को समझा जाए, इन मजदूरों को उनके घरों तक वापस पहुंचाया जाए, अब चूंकि तीसरा 2 महीने क्रॉस कर गए हैं इसको लॉकडाउन को, ऐसे में मजदूर तबका बहुत बुरी तरह से मुतासर हुआ, इसलिए कांग्रेस की तरफ से मुतालबा किया गया है कि उन्हें कम से कम 7,500 मंथली 6 माह तक के दिया जाए, चूंकि कारोबार सारे ठप हैं। दूसरा डिमांड यह था कि मनरेगा का जो 100 दिन का काम की गारंटी होती थी उसे 200 दिन करे, तो ये कांग्रेस की तरफ से मजदूरों के लिए कैंपेन है। कांग्रेस की बहुत शुक्रिया रहमत कलीम हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए और कांग्रेस ने उन सवालों को घेरा सोशल मीडिया पर और लगातार पूछा कि बताएं सरकार कि मजदूरों के लिए क्या कुछ किया जा रहा है। सरकार की तरफ से जवाब तो तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में जरूर दिया, लेकिन अब आगे देखना होगा कि कल से क्या परिस्थितियां बदलती है, क्या सिचुएशन चेंज होगी, क्या जो लंबी लंबी कतारें और साइकिल पर हम देख रहे हैं कि मजदूर घर जा रहे हैं, क्या उनकी हालात को बेहतर बनाया जाएगा, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले को मॉनिटर कर रहा है। अब बढ़ते हैं जरा आगे, बात करते हैं उस बड़े नेता की जिसके एक इशारे पर पूरी दुनिया जमा होती थी। उत्तर प्रदेश का एक नेता है आजम खान साहब, जो जीत कर भी आए हैं लेकिन मुश्किलों ने उसका दामन इस तरीके से घेरा है कि ईद भी जेल के दीवारों में ही गुजारनी पड़ी, तन्हाई के अंदर ही रहना पड़ा। और अब उत्तर प्रदेश हुकूमत की तरफ से फैसला यह हुआ कि जो उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड के अंदर जौहर ट्रस्ट का नाम मुतवलियों की लिस्ट में था उसको हटा दिया गया है वहां से। क्या है यह पूरी खबर, अनूप त्रिपाठी के पास चलता हूं सीधे उत्तर प्रदेश, क्योंकि जौहर यूनिवर्सिटी पिछले साल से लगातार सुर्खियों में है।
आजम खान, उनकी अहली और अहलिया और उनकी उनका बेटा, लगातार एक के बाद एक मुकदमा उन पर दर्ज है। और इस बीच उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड का बड़ा फैसला, क्या कुछ खबर है अपडेट के साथ? हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं, बताइएगा कि क्या कुछ डिटेल है और इससे ये जो ट्रस्ट का मामला है या यूनिवर्सिटी का मामला है, किस तरीके से लोग इसको देख रहे हैं और पॉलिटिकली इसके क्या माना है? गौहर जी, बिल्कुल, रामपुर में जो जौहर यूनिवर्सिटी बनाई थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी 2016 में, जब जौहर यूनिवर्सिटी बनाई गई तो आजम खान उस समय मंत्री थे, और जो सुन्नी वक्फ बोर्ड है उसके जो चेयरमैन का जो पद था वो भी आजम खान के पास ही था। उस समय जहां पर जौहर यूनिवर्सिटी बनाई गई थी उसी से मिलती जुलती वहां पर सुन्नी वक्फ बोर्ड की ज़मीन थी, जिस पर 26 परिवार जो बेघर लोग थे वो परिवार उस पर वहाँ पर किराए पर रह रहे थे, उनको उन यतीमों को जो है सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से दिया गया था। तो चेयरमैन रहते हुए आजम खान ने वो ज़मीन खाली कराई पहले तो उन यतीमों से, और उसके बाद उस ज़मीन का जो मुतवली यानी रक्षक का जो पद होता है मुतवली बनाया गया जौहर ट्रस्ट को। उस ट्रस्ट के जो चेयरमैन थे वो खुद आजम खान थे, यानी कि अब डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट तरीके से आजम खान उस ज़मीन के मालिक हो चुके थे। उस ज़मीन को खाली कराकर वहाँ पर एक स्कूल बनाया गया और उसको जौहर यूनिवर्सिटी से जोड़ दिया गया। अब जब सूबे में सत्ता बदली, बीजेपी सरकार का भी एक लंबा वक्त गुजरा और जौहर यूनिवर्सिटी जब करीब करीब आजम खान के हाथ से निकलती हुई जा रही है, तब एक और बड़ी कार्रवाई अब देखने को मिली है। जब शिया और सुन्नी जो दोनों वक्फ बोर्ड हैं उनके जो चेयरमैन थे उनका कार्यकाल भी ख़त्म हो चुका है गौहर जी, और अब दोनों जगह CEO जो नियुक्त किए गए हैं अधिकारी सरकार की तरफ से वो कार्य कर रहे हैं। तो सुन्नी वक्फ बोर्ड के CEO ने एक आदेश जारी करते हुए वो जो फैसला 2016 में लिया गया था, कुल मिलाकर ये माना जाए कि आजम खान के लिए मुश्किलें खत्म नहीं हो रही है और आजम खान की मुश्किलें हर दिन जो है वो बढ़ रही है, क्योंकि एक तरफ से FIR से और दूसरी तरफ से सरकार भी मन बना रही है कि पूरी तरह से इंक्वायरी हो कि आखिर इतनी ज्यादा जमीन और इतनी प्रॉपर्टी कैसे बनाई गई है। आजम खान लगातार कह रहे हैं कि वो किसी भी इंक्वायरी के लिए तैयार है, लेकिन कोर्ट क्या कुछ करेगा क्योंकि मामला कोर्ट कचहरी तक चला गया। चलते चलते अब जरा नोएडा की खबर भी आपको बताते चले, क्योंकि नोएडा की खबर इसलिए हम आपको लगातार पिछले कई दिनों से बता रहे हैं, नोएडा यूपी गाजियाबाद का बॉर्डर जो है ये दिल्ली के बॉर्डर पर आता है और यहां पर बहुत ज्यादा केसेस जो है वो देखने को मिले थे, और यूपी प्रशासन की तरफ से लगातार और गाजियाबाद एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लगातार यह कोशिश की गई कि वहां पर आम लोगों को राहत मिले, और आम लोगों की राहत के लिए एक और बड़ा कदम जो है वो वहां पर उठाया जा रहा है कि डॉक्टर ऑन कॉल होगा, यानी अब आप कॉल करेंगे अगर आप रेड जोन में भी है, येलो में भी है, पिंक में भी है, तब भी आपको ऑन कॉल डॉक्टर मिलेगा। तफसीलात के साथ हैदर हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। हैदर, अपडेट कीजिएगा हमारे व्यूअर्स को, क्या कुछ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से फैसला लिया गया है? निश्चित तौर पर गौर साहब, लगातार देश में कोरोना चल रहा है और इसी कड़ी में गौतम बुद्ध नगर प्रशासन या नोएडा अथॉरिटी जो है वो लगातार कोशिश कर रही है कि यहाँ जो रहने वाले लोग हैं उनको किसी तरह की परेशानी नहीं हो। वैसे तो अथॉरिटी की तरफ से तमाम तरह के कॉल सेंटर पहले से रन किए जा रहे थे, लेकिन अब क्योंकि गर्मी का मौसम बढ़ रहा है और ऐसे में फ्लू होता है जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी होती है और कोरोना वायरस का कहर है, तो लोग डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहे हैं। अगर उनको वायरल या कुछ फीवर वगैरह कुछ भी शिकायत हो रही है तो वो डर के मारे घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। तो इसको देखते हुए गौतम बुद्ध नगर प्रशासन नोएडा अथॉरिटी ने मेडिकल एसोसिएशन की सहायता से एक कॉल सेंटर बनाया है, डॉक्टर ऑन कॉल सर्विस, जिस पर आप सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, अपने मर्ज के बारे में बताएं और वहां से तमाम जानकारी आपको मिल जाएगी। ये जो डॉक्टर हैं ये शिफ्ट के हिसाब से वहां वर्क करेंगे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की देखरेख में ये पूरा कॉल सेंटर रन किया जा रहा है और इसमें तमाम तरह की कॉलें भी आ रही हैं, क्योंकि लोग अब क्या है अपने घरों में है, लॉकडाउन का समय है, हालांकि छूट जरूर है, लेकिन अगर गले में खराश, फीवर या कुछ भी शिकायत हो रही है तो लोग डर के मारे इसलिए डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं, कहीं उनको कोरोना तो नहीं हो रहा है, और इसकी वजह से उनको ये मर्ज बढ़ रहा था, जिसको देखते हुए अब लोग अपनी कॉल पर परामर्श कर सकते हैं, यानी ऑन कॉल डॉक्टर का मशवरा मिल सकता है और प्रशासन की तरफ से तैयारियां की गई हैं, नंबर्स दे दिए गए हैं और डॉक्टरों की एक लंबी टीम वहां पर उनकी बात को सुन रहे हैं। बहुत शुक्रिया हैदर हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। लेकिन आखिर पर वाइंड अप करने से पहले, आपको याद होगा कि आज पुलवामा के अंदर IED ब्लास्ट हुआ, और यह IED ब्लास्ट किया गया क्योंकि एक इंटेलिजेंस इनपुट आया था
जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और आर्मी को, जिसके बाद उस गाड़ी को इंटरसेप्ट करने की कोशिश की गई और आज सुबह वो गाड़ी मिली, जिसके बाद बीडीएस स्क्वाड ने उसको ज़ाया किया, उस आईडी को जो माना जाता है 12 से 14 किलो का आईडी उसमें था, जिसकी वजह से आसपास के मकानों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। और आज ही ये बात भी सामने आई कि इस पूरे मामले की तहकीकात जो है वो एनआईए करेगी, लेकिन अभी जो हमारे पास ज़रा से खबर आ रही है, जो सोर्सेज हमें बता रहे हैं, जिस नंबर प्लेट का इस्तेमाल किया गया था सेंट्रो गाड़ी के ऊपर, वो नंबर प्लेट एक ऑटो, एक स्कूटर का है। और अब इन्वेस्टिगेशन और आगे बढ़ रही है, चेसिस नंबर्स को खंगाला जा रहा है और उस मालिक की तलाश की जा रही है जिसकी ये सेंट्रो गाड़ी थी। फिलहाल न्यूज टाइम में मेरे साथ इस वक्त इतना ही, आप बने रहेंगे हमारे साथ क्योंकि खबरों का सिलसिला यहां पर थमता नहीं है बल्कि जारी है अभी।